हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डिक्शनरी क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हम 4 लेक्चर कर चुके हैं। अगर आपने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे वो लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। तो आज के जो 5 वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, उसमें फर्स्ट वर्ड है एब्रोड। एब्रोड एक एडवर्ब है, इसका मतलब विदेश या विदेश में। तो देखिए इसका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, द विजिटर्स केम फ्रॉम एब्रोड, कि जो विजिटर हैं वो कहाँ से आए थे, एब्रोड से मतलब विदेश से आए थे। एब्रोड मीन्स विदेश। सेकेंड इज एबसेंट, तो एबसेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है। मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव का यूज़ हम नाउन और प्रोनाउन के लिए करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अनुपस्थित। तो किसी भी चीज़ की अनुपस्थिति हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो क्लास में कोई स्टूडेंट है वो ही अनुपस्थित है, और भी किसी भी चीज़ का की कमी हो सकती है, लैक को भी हम बोल सकते हैं। तो देखिए एग्जांपल है, लव वॉज टोटली एब्सेंट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, कि उसके चाइल्डहुड से ही प्यार की उसके लिए कमी रही है, उसके मतलब चाइल्डहुड में बिल्कुल भी उसको प्यार नहीं मिला। थर्ड इज एब्सेंटी, ये है नाउन, पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं एब्सेंट, अनुपस्थित होने वाला, तो कोई व्यक्ति होगा तो वो नाउन हो गई, तो उसको हम बोलते हैं एब्सेंटीज। जो कोई भी एब्सेंट है उसको हम ये बोलेंगे। इसका एग्जांपल होगा फ्रेंड्स, देर आर 7 एब्सेंटीज टुडे, मतलब कि आज एब्सेंट होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 7। तो नेक्स्ट सेंटेंस वर्ड है हमारा फ्रेंड्स एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली इज़ अ एडवर्ब, तो ये एडवर्ब है, इसका मतलब होता है पूर्ण रूप से, मतलब पूरी तरह, कम्प्लीटली, टोटली। तो इसके एग्जाम्पल होगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये सेंटेंस हम बहुत बार यूज़ करते हैं कि तुम पूरी तरह से सही हो, तो इसका एग्जाम्पल ये हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज एब्सोल्व। एब्सोल्व मीन्स, एब्सोल्व इज़ अ वर्ब, इसका मतलब है दोष मुक्त करना किसी को, किसी अपराध से, कोई पर अपराध से या किसी दोष से मुक्त करना। तो इसका एग्जाम्पल होगा फ्रेंड्स, द पुलिस एब्सोल्व द ड्राइवर, कि जो पुलिस है उसने क्या कर दिया, उस ड्राइवर को बिल्कुल दोष मुक्त कर दिया, मतलब ड्राइवर ने कोई क्राइम नहीं किया होगा तो उसको क्या कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर ज़रूर देखें उनको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।